हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको वेडिंग गाउन के लिए वेल कैसे बनाना है बताने वाली हूँ। तो इसके लिए देखिए, यहाँ पर मैंने दो पीसेस लिए हैं नेट के। तो इसमें से जो दोनों ही नेट है, इनका जो चौड़ाई है वो मैंने रखा हुआ है 24 इंचेस का, और जो लंबाई है यहाँ पर मैंने दोनों ही पीस अलग अलग साइज़ के लिए हैं। जो पहला वाला पीस है इसकी लंबाई मैंने रखी है 36 इंचेस की, और जो दूसरा वाला है उसका मैंने रखा है 30 इंचेस। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए जो दोनों ही हैं इनको इस तरह से हम फोल्ड करके लेंगे। दोनों ही वेल को एक साथ में हमने इस तरह से फोल्ड किया है, और यहाँ पर नीचे के साइड से हम इस तरह से यू शेप में कट करके लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसे यहाँ पे यू शेप में कट करके लिया है। यहाँ पर देखिए, आप चाहे तो चौड़ाई और भी ज़्यादा रख सकते हैं। मेरा जो कपड़ा था उसकी चौड़ाई इतनी ही थी, तो मैंने इतना ही रखा है। तो अब हम इन दोनों ही पीसेस में साइड में पूरी गोलाई में वायर पिको करके लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पर वायर पिको करके लिया है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से जो है कर्वी कर्वी शेप में आया हुआ है, जो अच्छा दिखता है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, जो ऊपर वाला लेयर है इसके ऊपर हमें देखिए इस तरह से बीच बीच में इस तरह से छोटे से फ्लावर्स लगाएंगे। तो देखिए, इस तरह से बीच बीच में हमें फ्लावर्स को स्टिक करके लेना है। आप चाहे तो स्टिक करके ले सकते हैं या स्टिच करके भी ले सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर जो फ्लावर्स है उनको हमने स्टिक करके लिया है, और यहाँ पर ऊपर की तरफ देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर लूज स्टिच लगा के ली है। अब इस लूज स्टिच को हम क्या करेंगे, देखिए इस तरह से धागे को खींचते हुए जो कपड़ा है उसको ये देखिए हम पूरा एक तरफ करके लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमें इसको छोटा करके लेना है। दोनों ही पीसेस को हमें इसी तरह से करके लेना है। तो ये देखिए, इस तरह से दोनों ही पीसेस को हमने इस तरह से छोटा करके लिया है। अब दोनों ही पीसेस को हम इस तरह से साथ में पकड़ के लेंगे और इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसके ऊपर एक सिलाई लगा के ली है। तो ये दोनों साथ में अब बैठ चुके हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे एक सैटिन लिया हुआ है। ये जो सैटिन है इसको ये देखिए हम फोल्ड करेंगे, और इसका जो सेंटर पार्ट है इसको हमें देखिए इस तरह से जो हमने अभी वेल लिया है उसमें देखिए इस तरह से हमें पकड़ना है। आधा पीछे की तरफ और आधा आगे की तरफ इस तरह से हमें पकड़ते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है, और जो बाकी साइड में बचा है उसको भी हमें फोल्ड करते हुए सिलाई लगा के लेना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमें पकड़ते हुए सेम फोल्डिंग को इस तरह से हमें कंटिन्यू करते हुए दोनों एंड्स तक सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा दी है, और जो हमारा वेल है इस तरह से बन के तैयार है। इसको अब हम देखिए इस तरह से जब हम बालों के ऊपर इस तरह से पकड़ेंगे, और जो हमने एक्स्ट्रा लंबा सैटिन रखा है इसको हम नीचे की तरफ से गार्ड बांधने के लिए यूज़ करेंगे। आप चाहे तो इसमें क्राउन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर क्लिप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही में जो साइड में बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें, जिससे आपको हमारे अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।